प्रियंका जी ग्वालियर आ रही हैं, आपका स्वागत है। पर इतना तो बताओ कि आपने पिछली बार ग्वालियर की जनता में की पीठ में छुरा क्यों भोंका? जनता से सरोकार रखने वाले आदरणीय सिंधिया जी के नाम पर वोट लिए और कारोबार से सरोकार रखने वाले कमलनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ग्वालियर की जनता से कायदे से आप आ रही हैं तो आपको माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। आपके बगल में जो बैठे होंगे ना आज मंच शेयर करेंगे, कपटनाथ और छल सिंह राजा, उनसे पूछो कि कार्यकर्ता के साथ में ऐसा क्यों किया। इन 15 महीने में प्रदेश को 15 साल पीछे आपने पहुंचा दिया। आप लक्ष्मीबाई की समाधि पर जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे पर भी जाना चाहिए किले पर, और 84 में हुए नरसंहार के लिए वहां पर जाके सिखों से माफी मांगना चाहिए। कमलनाथ जी जो आपके पास बैठे हैं ना, ये उसमें दोषी हैं। आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आपको बताना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का किया जो 84 के दंगों की आज तक माफी नहीं मांगी गई है। ये दोनों लोग जो आपके अगल बगल में बैठे हैं, मंच पे हैं या एक है नहीं, ये बताएं कि इन्होंने आपके भाई राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ का झूठ क्यों बुलवाया उनसे, और एक का भी कर्जा माफ नहीं किया। क्या आप प्रदेश के किसानों से माफी मांगेंगे? आपको बताना चाहिए। आप बहुत आदिवासियों के हितों की बात करती हैं, पिछड़ों के हितों की बात करती हैं। ये कांग्रेस के लोग जिनसे मंच भरी हुई है, मध्य प्रदेश गवाह है इस बात का कि जमुना देवी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इनने सुभान सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इनने दलवीर सिंह जी के साथ और आज उमंग सिंगार के साथ भी यही व्यवहार कर रहे हैं। ये पिछड़ों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इनके दंश झेल रहे थे आदरणीय सुभाष यादव जी और वर्तमान में झेल रहे हैं उनके पुत्र आदरणीय अजय यादव जी। ये इनके दंशों से पीड़ित हैं आदिवासी लोग, एससी के लोग, पिछड़े लोग। आप बताओ कि आपके दादी के समय में जो कमलनाथ जी उस समय मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो अमेरिका को परमाणु की जानकारी दी थी, परमाणु परीक्षण की, क्या वो देश के साथ गद्दारी नहीं थी? जातियों के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी, किसान के साथ गद्दारी, नौजवान के साथ गद्दारी, आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि ये परमाणु की जानकारी लीक की गई? आप बताओ, आपके पड़ोसी राज्य हैं हमारे कांग्रेस के शासित हैं, आप उनके बारे में बोलती ही नहीं। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर हमारी आदिवासी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। आप कहती हो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं लड़ी आप वहाँ जाके? हरिजन और आदिवासियों के नौजवान बच्चे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नंगे दौड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है इसलिए आप बोल नहीं रही, निर्वस्त्र चल दौड़ रहे। आखिर क्या कारण है कि जैन मुनि संत की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में 36 टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व मौन रहता है? क्या इन सब विषयों पर ग्वालियर में आके आप माफी मांगेंगी? तो मुझे लगता है कि जनता ज्यादा आपको स्वीकारता देगी।